हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक। कैसे हो आप सब? आज हम जा रहे हैं कोलकाता का वन ऑफ द बिग इवेंट, मतलब कोलकाता बुक फेयर में, जहाँ पे जाने का मन मुझे आज बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये हमको एकदम घर से बाहर ऐसे घसीट के बाहर निकाल के लाए, कंडीशंस देके निकाले हैं। हाँ, सुबह मैंने बहुत सारे कंडीशन दिए थे, ये एक भी फुलफिल नहीं किया, धोखा देके हमको घर से आज निकाले हैं। तो आज हम बुक फेयर जाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि कोलकाता का बुक फेयर जो होता है कितना अच्छा होता है। अभी बंद होने का, हम जब पहुँचेंगे तब ऑलमोस्ट क्लोज होने का टाइम आ जाएगा, पर फिर भी एक एसेंस जो है, एक्चुअली पहले जहाँ होता था वो बहुत अच्छा होता था, वो जगह बहुत बड़ा था। अभी छोटी जगह पे ये फेयर होता है, कॉन्जेस्टेड होते हैं, कोविड की वजह से और भी छोटा हो गया है। हाँ, उतना स्टॉल भी नहीं आता है, इसीलिए मन नहीं करता है जाने के लिए। फिर भी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेले ग्राउंड पे जाके आपके साथ हम वो शेयर करेंगे। The night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be mine. आज ना यहाँ पे इतना क्राउड है क्योंकि वीकेंड का टाइम है और गाना बज रहा है, इसीलिए हम आपके साथ ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं और घर जाके पॉसिबल होता है तो फिर आपके साथ पूरा चीज़ कुछ चीज़ हम शेयर करेंगे। फाइनली क्राउड थोड़ा कम हुआ है, म्यूज़िक जो बज रहा था वो भी शांत हो चुका है, इसीलिए हम बातें करने का जो है मौका मिला है। ये पीछे जो ये कार्टून कैरेक्टर देखते हैं ना, ये हमारे बचपन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ था, मतलब विदाउट देम हमारा बचपन अधूरा है। तो आज टाइम बहुत कम मिला हम लोगों को, वो देखने में आधा चीज़ को ढूंढने में ही लग गए और ढूंढ भी नहीं पाए। तो ये बोल रहे हैं कि कल सुबह आएंगे, कल 12 बजे से शुरू होता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 8 बजे आ जाएंगे, गेट के बाहर बैठ जाएंगे। कल 12 बजे से होता है, जो मेन बड़ा बड़ा स्टॉल है उसमें, उसके सामने मतलब उसके आगे इतना लाइन लगा हुआ है कि हम लोग को घुसने का कोई मौका ही नहीं मिला। कल और भी बड़ा लाइन लगेगा। हाँ, इसीलिए हम पहले आ जाएंगे। बस ये है कि बहुत फेमस है, कोरोना आगे देखना बाकी है, कल आपको घुमाएंगे अच्छी तरह से, मतलब
ये ना, ये फेयर हम लोगों का सच में इमोशन है। वर्ल्ड का थर्ड नंबर फेयर है ये, इंटरनेशनल बुक फेयर। दिस इज एक्चुअली क्या है ना, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और लंदन बुक फेयर के बाद दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बुक फेयर इन द वर्ल्ड, कोलकाता बुक फेयर। और पिछले साल नहीं हुआ था दिस ईयर कोविड की वजह से, तो इस साल वो 45th सेशन है बुक फेयर का। पहले तो ये हम लोग जब छोटे थे तो ये मैदान में होता था, मतलब कोलकाता मैदान में, वो बहुत बड़ा सा एक मैदान है, वहाँ पे होता था, बहुत लोग जाते थे। अभी वहाँ पे वो एक्चुअली था आर्मी का, तो वो अभी बंद हो गया, तो अभी शिफ्ट हो गया ये मेला ग्राउंड में। हर साल यही होता है ना, बस इतना छोटा, मतलब जो था उसका 25% हो गया अभी यहाँ। तो कल फिर आएंगे और कल फिर आपको घुमाएंगे। आज तो हम घर जा रहे हैं, भूख भी लगा है, थोड़ा कुछ खाएंगे अगर तो ये अलाउ करते हैं, तो फिर कल आते हैं, कल मिलते हैं आपसे। हर साल कोलकाता बुक फेयर का एक थीम कंट्री होता है और इस साल का थीम कंट्री है बांग्लादेश। ये है बुक फेयर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर बांग्लादेश गैलरी। सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल किताब के शौकीन नहीं हूँ, ऐसे बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, एक स्टॉल में बहुत भीड़ था, वहाँ पे घुस के मुझे एक किताब बहुत पसंद आया, उसको बोला कि ये किताब हमको लेना है, फिर कहा हाँ देख लो, फिर हम वापस बाहर जाके ऑनलाइन से वो किताब खरीदेंगे। इतना गुस्सा आया कि अगर ऑनलाइन ही ख़रीदना है तो भाई इधर क्यों घूम रहे हो। इसीलिए मुझे फिर से कल नहीं आना है। और खरीदा है आना है। बहुत जगह जाना बाकी है, बड़े बड़े स्टॉलों में घुसना बाकी है। थीम कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पे भी जाना है। लेकिन किताब तो आप ऑनलाइन ही खरीदने वाले हो अभी ना, सब बोल रहे हैं कि और कितने दिन और कितने देर तक आप इधर घूमोगे, जाओ घर जाओ, हम लोग भी घर जाएंगे। और पुलिस वाले दो आपस में बात कर रहे थे कि ये लोग क्या बुक फेयर घूमने आए हैं या मेला देखने आए हैं या फ़ोटो खींचने आए हैं, क्या कर रहे हैं, सब स्टॉल बंद हो चुका है, ये लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। मज़ा आता है ऐसे पास में खड़े होकर दूसरे का जो ये कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी टाइम हो चुका है, कल के बाद कल देखा जाएगा, खेल के निकालेगा। हाँ, आसपास से बहुत आवाज़ तो आ रहे हैं, तो अभी यहाँ से निकल के बात करते हैं। अरे रुको ना, तो अभी घर जाएंगे, कल की बात है, कल होगा, आज तो घर जाए। चलिए टाटा।